जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है जिस मुहिम को हम शुरू किए थे उसमें आज काफी हद तक हम आगे हमारी बात पहुंच चुकी है, क्योंकि आज जो गिरफ्तारी दे रही थी वो गिरफ्तारी बच्चों के लिए दी है। ऐसा नहीं कि हमें गिरफ्तार किया गया, हमें सुबह पता चला कि राजीव चौक पे जो बच्चों को बुलाया गया था आगे का जो प्रदर्शन करने के लिए, उसमें वहाँ पे बच्चों को बसों में भर भर के अलग अलग थानों में छोड़ दिया गया था। तो हम सभी साथियों ने पांच छह जो भी सारे संस्था संचालक थे उन्होंने हमें मिलके और हर एक थाने से जो भी 20-25 बच्चे थे उन सब बच्चों की जमानत दिलवा दी और उनकी सारी जिम्मेदारी हमारे पे ले ली कि आप हमें पकड़िए, जो भी केस है आप हमारे पे कीजिए, बच्चे पे किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं होना चाहिए। और ये जो आंदोलन है ये अपन खत्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस आंदोलन को यहाँ पे खत्म कर रहे, क्योंकि इन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया, हमने कहा था कि हमें जब तक रिहा मत करो जब तक हमारी बात ऊपर नहीं पहुंचे, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले एक से दो दिन में आपकी मीटिंग ऊपर तक हो जाएगी और तब तक हम अलग अलग सांसद से हैं उनसे भी अपने यहाँ पे मिलते रहेंगे। जैसा भी हो आगे की जो परमिशन मिलेगी तो परमिशन की भी डेट बता दी जाएगी। हम सब्र करेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, तो कुछ दिन अपने इस चीज का सब्र कर रहे हैं। और मैं सभी बच्चों से चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे पे FIR नहीं हो, तो ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे किसी बच्चे की जिंदगी का करियर खराब हो, क्योंकि साथ में साथ कुछ ना कुछ ऐसे लोग भी मिलते जा रहे हैं जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, जैसे SSC के हैं, UPSC के, तो इन चीजों पे अपना ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की वजह से अपने डिफेंस के बच्चे का भविष्य खराब हो, इसलिए किसी भी फालतू अफवाह पे ध्यान नहीं दें। और अगला जो अपन जो भी डेट डिसाइड करेंगे वो जल्दी आपको बता दी जाएगी कि जब भी अपने को परमिशन मिलती है 2, 5, 10, 15 दिन बाद में, तो उसमें सब एकजुट होकर करेंगे, कोशिश करेंगे सब एक जगह बैठ के एक अच्छा प्रोग्राम करें। तो सभी साथियों से निवेदन है किसी भी जहाँ भी आप हो अपने नजदीक, जहाँ जो रात को निकल सकते हो रात को या कल जैसे जैसे अपने घर पे आप निकल सकते हो, हम यहीं पे है अगली डेट तक, हम यहीं पे है, हम कोशिश करेंगे डेली आपको अपडेट देते रहेंगे कि आज किससे मिले कहाँ पे किए। और इससे भी अपन नहीं होता है तो अपन सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है वहाँ पे दावा भी पेश करेंगे, क्योंकि जरूरी है अपने को साथ में साथ कानूनी कार्रवाई करने की जरूरी। जय हिंद साथियों, तो अपन जल्दी मिलते हैं, वापस आपको जो भी आगे की डिटेल है वो बता दी जाएगी।